आ जाओ। हाँ नहीं तो उसको मैं बोलता तो आ जा फरहान भी लेके। एक मिनट रुको, मुख्यमंत्री जो बोले गए एक ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से आज जो रक्तदान शिविर चल रहा है कोविड के चलते, तो कैसा इंतजाम किया है आपने और रिस्पांस कैसा है इसका? ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन पिछले 25 सालों से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है, औरंगाबाद की सबसे कदीम तंजीम है और पिछले एक साल से पूरे आलम के अंदर कोरोना फैला हुआ है। कोरोना को देखते हुए ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद से काफ़ी नौजवान ग्लोबल हाउस पर आके अपने खून का हत्या किए। ग्लोबल फाउंडेशन ने 4 ब्लड बैंक को यहाँ पर कॉल किया, जिसमें एक गवर्नमेंट और 3 प्राइवेट ब्लड बैंक है। चारों ब्लड बैंक्स यहाँ पर पब्लिक का ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि ये बीमारी पिछले एक साल से हम लोग झेल रहे हैं और ब्लड बैंक में खून की काफ़ी कमी होने की वजह से ग्लोबल फाउंडेशन ने अर्जेंट में ये ब्लड डोनेशन कैंप मुनाकिद किया। सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़ायद लोगों ने अत्या खून किया कैंप किया और ऐसा लग रहा है कि शाम 8 बजे तक ये कैंप चलता रहेगा। काफ़ी नौजवान आ रहे हैं और अपने खून का अत्या कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन पिछले 25 सालों से घाटी हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। हार्ट कैंसर, किडनी, वॉल, ब्रेन जैसे जो मरीज़ पूरे मराठवाड़े से आते हैं, इन मरीज़ों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें ग्लोबल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ ग्लोबल फाउंडेशन 25 किलो का प्लाव कैंसर हॉस्पिटल के मरीज़ों में रोज़ाना डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपनी एम्बुलेंस के ज़रिए लोगों को अपने मुकाम तक पहुँचाता है और इस तरीके की तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहा है। ब्लड के क्या हाल है अभी औरंगाबाद शहर में और गैस का क्या हाल है? ब्लड खून की सख्त ज़रूरत है प्राइवेट और गवर्नमेंट ब्लड बैंक में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने भी अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड बैंक्स में जाके अपना ब्लड डोनेट करें, ताकि जो लोग कोविड में जो पेशेंट्स हैं और प्राइवेट में थैलेसीमिया के मरीज़ों को इसकी सख्त ज़रूरत होती है ब्लड की, और ये ब्लड की कमी उस वक्त पूरी होंगी जब अवाम अपने खून का हत्या करेगा। इसी के साथ साथ जो बाटला वाला मामला है ऑक्सीजन का बाटले की आप देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में काफ़ी मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया। इंडियन एक्सप्रेस और रवीश कुमार साहब की प्राइम टाइम न्यूज़ में भी जो है तो मेरा एक स्टेटमेंट था कि बाटलों की कमी आ रही है, काफ़ी पेशेंट्स अपने घरों में ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से बाटला की सख्त ज़रूरत और उसकी तादाद बढ़ गई है। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये निवेदन करता हूँ कि गवर्नमेंट इस बाटले की जानिब भी जो है तो तवज्जो दे। आपका नाम? मसीहुद्दीन सिद्दीकी, ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।